हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर टैंकमैन। तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक सही तरीके से ब्लड वॉर्म, फ्रोजन ब्लड वॉर्म जो होता है वो कैसे खिलाया जाता है अपने फिशेस को। तो यहाँ पे एल्बिनो हेकिलीज है, इसको मैं ब्लड वॉर्म खिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैक आ जाएगा ब्लड वॉर्म्स का। ठीक है, ये पेट फूड ही इसका ब्लड वॉर्म्स है। तो ये तुम लोगों को 800 रुपीज़ किलो, कहीं कहीं 1000 रुपीज़ किलो ये मिल जाता है। अब ये मैं खिलाने वाला हूँ अपने फिशेस को, लेकिन एक सही तरीका होता है इसको खिलाने के लिए। और ब्लड वॉर्म जो होता है वो एक होता है स्टेरिलाइज्ड, एक हो जाता है नॉन स्टेरिलाइज्ड। अब नॉन स्टेरिलाइज तो हम लोग खिला नहीं सकते अपने फिशेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एंड एग्जॉटिक फिशेस है। तो स्टेरिलाइज ब्लड वॉर्म ही खिलाना है। अब इधर पे अगर तुम पेट फूडीज का टैग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, स्टेरिलाइज फ्रोजन ब्लड वॉर्म्स। तो यही खिलाना है तुमको फिशेस को। और नॉर्मल और भी कंपनीज के अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा देख लेना। अब तुम कैलकाटा से बिलोंग करते हो तो कैलकाटा में पेट फूडीज का चलता है और माई प्रोटीन का चलता है। और अगर तुम हैदराबाद या फिर बेंगलोर या फिर अगर मान लो मुंबई से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कुछ और कंपनीज का चल सकता है, लेकिन थोड़ा देख लेना वो स्टेरिलाइज है कि नहीं। अगर स्टेरिलाइज नहीं है तो मत खिलाना। ठीक है, अब इसको कट करना है तुमको। ये 100 ग्राम्स का पैकेट है। ठीक है, सही तरीके से कट करना, और ज़्यादा कट करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैं तो आधा खिला दूंगा अपने फिशेस को ये। अब तुम्हारा अगर क्वांटिटी कम है जैसा फिशेस का, जैसे मेरे पास तो अभी इधर पे 20 एल्बाइन हेकिलीज है जो कि ना 5.5 इंच साइज़ का है, तो आधा तो मेरे को लग ही जाएगा। उसके बाद गुआना काराज है और उधर पे 7 इंच साइज़ का रेड हेड टोपाजोस है जो कि ना अपना ब्रीडिंग पेयर है। ठीक है, और ब्लड वॉर्म्स आई डू नॉट रिकमेंड फॉर हॉबिस्ट, क्योंकि क्या होता है ये बहुत हाई एंड प्रोटीन वाला फूड होता है। ठीक है, नहीं तो तुम और भी कुछ खिला सकते हो, ऐसा फ्रोजन आर्टेमिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा फ्रोजन है। ठीक है, और ऐसा एक तुम लोगों को ये ले लेना है। ठीक है, ऐसा छोटा सा एक बर्तन ले लेना और इसको थोड़ा धो लेना है। ठीक है, अब ऐसा तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारा क्वांटिटी बहुत कम है तो ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यही वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि क्वांटिटी मेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये यूज़ करूँगा, क्योंकि आधा ये 100 ग्राम्स का है तो 50 ग्राम्स में खिला दूंगा। ठीक है, तो इधर पे मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये वाला जो ब्लड वॉर्म का पैकेट दिख रहा है ये 100 ग्राम्स का पैकेट है, और अगर तुम लोग बाहर से मंगवाते हो या फिर किसी लोकल सेलर से लेते हो स्टेरिलाइज ब्लड वॉर्म्स, तो तुम लोग 100 ग्राम्स का ही पैकेट लेना। क्योंकि क्या होता है, अगर 500 ग्राम्स या फिर 250 ग्राम्स तुमने मंगवा लिया और उसके बाद अगर दो बार या तीन बार में नहीं खिला सकते हो वो पर्टिकुलर ब्लड वॉर्म का पैकेट, क्योंकि ये देखो सील्ड आता है, और इसके बाद अगर तुम सील काट के 1 महीना 2 महीना रख दोगे ना, तो फ्रिज के अंदर सिर्फ ब्लड वॉर्म से तुम्हारा नहीं रहता है और भी कुछ सामान रहता है, तो हो सकता है कि ये कॉन्टेमिनेट हो जाए, तो वो वाला रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। और 100 ग्राम्स का ही पैकेट मंगवाना अगर तुम्हारा फिशेस का क्वांटिटी बहुत कम है। अब ब्लड वॉर्म तो मैंने इधर पे ले लिया है। अब ये लेने के बाद तुम लोग क्या करना, ये वाला इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में घुसा देना, क्योंकि क्या होगा ये अगर मेल्ट हो जाता है ना तो दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही से रख देना है। ठीक है, बिल्कुल सही से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बहुत कुछ सामान रहता है, तो बिल्कुल सही से रख देना है। अब तुम लोगों को ब्लड वॉर्म को मिक्स करने के लिए, अच्छा से मिक्स करने के लिए ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसका नाम है ट्वीज़र। ठीक है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट देख लेना, बहुत जगह पे मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा। इससे ही ब्लड वॉर्म खिलाना है, और इसको अच्छी तरीके से घुला देना, क्योंकि ये ऊपर का जो पानी है ना ये तुम लोगों को फेंक देना है, ये देने का नहीं है। ये नॉर्मल टैप वाटर यूज़ किया है मैंने, टैप वाटर तो बिल्कुल भी देना नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरीन कंटेंट रहता है, तो वो फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल रहता है क्लोरीन। ठीक है, डू नॉट यूज़ टैप वाटर। ठीक है, टैप वाटर अगर यूज़ कर रहे हो तो टैप वाटर पूरा तरीके से फेंक देना है, उसके बाद नॉर्मल जो वाटर है जो खाने का पानी तुम लोग पीते हो वो देना है। ठीक है, तो इसको तुम लोगों को अच्छी तरीके से घुला लेना। ठीक है, इसका बाथ का काम बाथरूम में ही करोगे तो ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
तो इधर पे तुम लोगों को आ जाना है, ठीक है? बेसिन में करना, ठीक है? नहीं तो मम्मी डांटेगी, ठीक है? अब ऊपर का जो लेफ्ट ओवर है ना, ये ऊपर का लेफ्ट ओवर तुम लोगों को पूरा तरीके से फेंक देना। ये ऊपर में जो दिख रहा है ये कोई फायदा नहीं है ये खिला के, क्योंकि ये ब्लड वॉर्म ऑलरेडी, इसमें ब्लड वॉर्म में कुछ है ही नहीं, प्रोटीन है ही नहीं। ऊपर में जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है, नीचे का ही सिर्फ खिलाना है। ऊपर में देखो बहुत सारा वाइट वाइट चीज़ है, इसमें इसके अंदर कुछ प्रोटीन कंटेंट है ही नहीं जो वाइट चीज़ें दिख रहा है। तो इसको तुमको अच्छी तरीके से फेंक देना है, ठीक है? कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर से और एक बार वाटर देना इसके अंदर। ये टैप वाटर में यूज़ कर रहा हूँ, ये वाटर बिल्कुल भी देना नहीं है फिशेस को। इसके बाद एक और बार वॉश होगा, वो अपना जो खाने वाला पानी है उसी से वॉश होगा, ठीक है? अब ये पूरा तरीके से वॉश हो चुका है। अब ये थोड़ा नीचे चला जाए, जो नीचे का रेसिड्यू होगा वही मेन ब्लड वॉर्म होगा, वही फिशेस के लिए अच्छा है। अब तुम ऊपर का भी रेसिड्यू खिला सकते हो, अगर मन किया तो खिला सकते हो, क्योंकि बहुत महंगा है ब्लड वॉर्म्स। लेकिन वो खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मछली को, वो चीज़ अंदर में जाता नहीं है मछली का। खा तो लेगा लेकिन जाएगा नहीं पेट में, ठीक है? तो ये तो वॉश हो चुका है, ठीक है? अब इसको तुम लोगों को एंड में, ठीक है, जैसा दो बार मैंने वॉश कर लिया इसको टैप वाटर से, इसके बाद तुम लोगों को एक बार जो खाने वाला पानी है जो तुम लोग नॉर्मल पीते हो घर पे, उससे वॉश करना है, क्योंकि टैप वाटर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन रहता है। तो वो ज़्यादा देने का नहीं, क्लोरीन वाटर इसमें अभी भी कुछ क्लोरीन वाटर है लेकिन उतना तो चलता ही है, ठीक है? ऐसे 3 बार वॉश कर लो भी तो अच्छा है, नहीं तो एक बार वॉश कर लेना उधर से टैप वाटर से, और लास्ट में एक बार अपना जो पीने वाला पानी है उसी से, ठीक है? इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद पानी को फेंक भी सकते हो, नहीं तो इधर से ऐसे पकड़ के तुम डायरेक्ट फिशेस को खिला सकते हो। और एक चीज़ कर लेना ब्लड वॉर्म खिलाने से पहले, ये दिमाग में रखना कि जो वाटर इसके अंदर है ब्लड वॉर्म्स के अंदर, वो पूरा तरीके से ऊपर से फेंक देने का है। अब थोड़ा तो वाटर रहेगा ही उसके अंदर, वो तो नेचुरल सी बात है, लेकिन जितना हो सके, जितना तुमसे हो सके उतना वाटर फेंक देना है, और उसके बाद ही ब्लड वॉर्म्स को खिलाना है। क्योंकि वाटर जो है वो हो सकता है कि थोड़ा टैप वाटर भी रहे इसके अंदर और उसके अंदर क्लोरीन भी रहे, तो वो फिशेस के लिए अच्छा नहीं होता है। और ब्लड वॉर्म्स खिलाने से पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना, कैनिस्टर फिल्टर और या फिर अगर तुम सम्प सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो वो सम्प सिस्टम ऑक्सीजन सब कुछ बंद कर देना, क्योंकि क्या होता है ब्लड वॉर्म्स अगर कैनिस्टर फिल्टर के अंदर चला जाए तो पूरा कंटेमिनेट कर देगा, अपना पूरा फिल्ट्रेशन ही पूरा ख़राब कर देगा ब्लड वॉर्म्स। हालांकि ये फ्रोज़न ब्लड वॉर्म्स है, ये लाइव ब्लड वॉर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी ख़राब कर देगा। तो हमेशा याद रखना, फिल्ट्रेशन मस्ट बी ऑफ व्हेन यू आर फीडिंग योर फिशेस विथ ब्लड वॉर्म्स, ठीक है? और खिलाने से पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना कि थोड़ा थोड़ा करके ब्लड वॉर्म खिलाना है अपने फिशेस को, क्योंकि एक बार में सारा का सारा ब्लड वॉर्म अगर तुम डाल दिए टैंक के अंदर तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट लग जाए, और उस टाइम पे तुम्हारा पानी गंदा हो जाएगा। इसके बाद अगर तुम लोग वाटर चेंज करते हो तो ठीक है, खिला दो, लेकिन नॉर्मल जो टेक्निक होता है वो यही होता है कि धीरे धीरे ही खिलाना होता है अपने फिशेस को। तो इधर पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैं पहला एक बार दिया ब्लड वॉर्म थोड़ा सा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाने के बाद मैंने फिर से दिया ब्लड वॉर्म। तो दिस इज़ द राइट वे टू फीड योर जो भी फिशेस है, अगर तुम्हारे पास जियोफेगस है या फिर डिस्कस है, कुछ भी है, दिस इज़ द राइट वे टू फीड योर फिशेस। इससे क्या होगा, तुम्हारा पानी भी साफ रहेगा और फिशेस पूरा अच्छा तरीके से खा पाएगा।
इसके बाद चलते हैं अपना गुआनाकारास की तरफ, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है ये है गुआनाकारास, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा है, मैंने लिया था ऐसे मार्केट से। ये शायद नेक्स्ट ईयर ब्रीड करेगा ये, अभी तो बहुत छोटा है। 2 इंच साइज़ है या फिर 2.5 इंच साइज़ है, कुछ कुछ 2 इंच है, कुछ कुछ 2.5 इंच है। तो इसको भी ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना। यार 10 फीसेस है इसके अंदर, तो 10 फीसेस के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि साइज भी छोटा है। इससे ज़्यादा दे दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बहुत हाई प्रोटीन वाला फीड है तो इसको खाने में टाइम लगेगा इसको। इसके बाद चलते हैं अपना रेड हेड टोपाजोस की तरफ। आप ये वाला जो टैंक है, ये इसमें रेड हेड टोपाजोस है जियोफेगस वैरायटी का, और इसमें कलर देख सकते हो कितना बढ़िया कलरेशन है, 6 का 6 फीसेस का ही एकदम बढ़िया वाला कलर है। और ये कलरेशन बस सैंड सबस्ट्रेट अगर तुम लोग डालते हो नीचे तो कलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसके साथ साथ 4 डेनिसोनिस भी है। एक्चुअली ये वाला जो टैंक है ये थोड़ा छोटा है इतना सारा फिशेस के लिए, लेकिन अभी के लिए ठीक है यार, मतलब और कोई जगह भी नहीं है हमारे पास। वो वाला टैंक अगर सही हो जाए तो इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। आप ब्लड वर्म्स अगर तुम लोग खिलाते हो अपना रेड हेड टोपाजोस को तो ध्यान में रखना कि ये पहली बात ये है कि ये बॉटम फीडर्स है, जैसे अल्बाइनो है के लिए ऊपर आके फीडिंग लेता है, ये ऊपर आके फीडिंग बिल्कुल भी नहीं लेगा। अगर तुम्हारा फिशेस बहुत पुराना है, जैसा मान लो एक ही टैंक में 2-2.5 साल तक है, तो वो ऊपर आके फिर भी ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेड हेड टोपाजोस ऊपर नहीं आएगा, ये बॉटम में ही फीड लेगा। जैसे इसमें देख सकते हो ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है फीडिंग दे रहा हो लेकिन फिर भी ये नीचे ही अपना ब्लड वॉर्म जो नीचे आ रहा है वही खा रहा है। और इसमें 2 मेरा ब्रीडिंग पेयर्स है, इसीलिए इन लोगों को ब्लड वॉर्म खिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसको अच्छा प्रोटीन कंटेंट मिले और इसका फर्टिलाइजेशन जो रेट है वो बढ़ जाए। तो अभी तो अभी देखो अभी भी इतना सारा ब्लड वॉर्म बचा हुआ है, ठीक है 50% दिया मैंने, मतलब 50 ग्राम्स देख रहे हो ना कितना ज़्यादा है, मतलब ऊपर से देखने में कम लग रहा है लेकिन जब तुम खिलाओगे इतना सारा फिशेस के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग एक बार दे दिए उसके बाद तुम लोग रोक सकते हो कि नहीं उतना ही देना है। तो ऐसा अभी 25 ग्राम्स तो मैंने डाल दिया, ठीक है तीनों टैंक में। आप हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 बार खिलाते हैं ब्लड वॉर्म्स, जैसे मान लो ये ब्लड वॉर्म खा लेगा उसके बाद एक और राउंड देंगे इनको, क्योंकि क्या है कि एक बार में वो खाना कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसके बाद दिक्कत क्या होता है कि पानी आपका बेफालतू गंदा होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आप पूरा डाल दो इसके अंदर तो वो एक टाइम बाद खा तो लेगा, आधा घंटा में खा लेगा, लेकिन बेफालतू का पानी गंदा होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो रेसिड्यू बच ही जाएगा, कुछ ना कुछ गंदगी तो रहेगा ही, ठीक है एकदम क्रिस्टल क्लियर तो है नहीं ब्लड वॉर्म। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 2-3 बार में खाना खिलाओगे, ब्लड वॉर्म खिलाओगे तो इट इज़ बेटर। तो इधर पे रेड हेड टोपाजोस को तो ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड वॉर्म दे चुका हूँ, उसके बाद फिर आधा घंटा बाद या फिर 10-15 मिनट बाद फिर से आके उन लोगों को दूंगा। अब इधर पे अगर आ जाए एल्बाइनो है के लिए इसके तरफ, तो इधर पे देखो फीडिंग पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब जितना भी मैंने ब्लड वॉर्म्स दिया था वो खा चुका है। अब इसको मैं फिर से एक बार दे सकता हूँ या 2 बार भी दे सकता हूँ, जितना मन चाहे ये खा सकता है, लेकिन ओवरफीडिंग ध्यान में रखना कि ओवरफीडिंग नहीं देना है। ये एल्बाइनो एक्लिस जो है ये टैंक ब्रेड फिशेस है, तो ये काइंड ऑफ गोल्डफिश जैसा है, ठीक है। तो तुम जितना दोगे उतना खाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ज़्यादा नहीं देना है,
ताकि इसका डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर तुम ड्राई फूड फिर भी ओवरफीड कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर उतना ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं रहता है, लेकिन ब्लड वॉर्म में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रहता है और वो जियोफेगस वैरायटी के लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। जैसा अगर तुम्हारा डिस्कस है या फिर कोई और फिशेस है तो उनको तुम लोग खिला सकते हो, लेकिन एल्बाइनो एकिलीज या कोई भी जियोफेगस उतना ब्लड वॉर्म नहीं चलता है। मतलब ओवरफीडिंग मत करना इन केस ऑफ ब्लड वॉर्म। थोड़ा ज़्यादा तुम उसको हिकारी पेलेट्स दे सकते हो या फिर जो भी तुम पेलेट्स खिलाते हो वो दे सकते हो, लेकिन ब्लड वॉर्म ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, आप छोटा जो गुआनाकारा है उसको ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हज़म नहीं कर पाता है। और अगर आपका फिशेस जो है वो 2-2.5 इंच से कम है ना, तो ब्लड वॉर्म मत खिला। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो जाएगा उसका, नॉर्मल खाना खिलाओ भी ग्रोथ होगा। और ब्लड वॉर्म खिलाने का और एक मैं तरीका बता देता हूँ, ब्लड वॉर्म खिलाने के बाद आप वाटर चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे हॉबीज़ क्या करते हैं कि हफ्ता में एक बार ही वाटर चेंज करते हैं। जैसे हम लोग तो बहुत हाई एंड खाना देते हैं तो पानी गंदा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग हफ्ता में 2-3 बार वाटर चेंज हो जाता है अपना। और बहुत सारे हॉबीज़ नॉर्मल ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, टेट्राबिट्स हो गया, हिकारी हो गया, तो उससे पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता है और कम अमाउंट खिलाते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि रविवार को, जैसा संडे को सबका छुट्टी रहता है तो संडे को वाटर चेंज होता है, तो संडे को टाइम आप ये दोपहर को खिला दो ब्लड वॉर्म्स। खिलाने के बाद आप वाटर चेंज कर दो, 1 घंटा बाद या 1.5 घंटा के बाद वाटर चेंज कर दो, पानी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और मछली जितना है उसके हिसाब से ही खिलाना। जैसा मेरे इधर पे मैंने कितना मछली को खिलाया, इधर पे 20 फिशेस है 5.5 इंच साइज़ का एल्बिनो एकिलीज, उसके बाद मैंने गुआना कारा से खिलाया, उसके बाद और भी टैंक्स है मैं खिला सकता हूँ इधर पे। जैसे सिल्वर शार्क्स है, ये वाला जो रेड वाला है इसमें सिल्वर शार्क्स है, इसको मैं दूंगा थोड़ा, ठीक है। उसमें कुछ टिट्रास है, टिट्रास को चलो आप नहीं भी खिला सकते हो, थोड़ा बहुत दे देना। उधर पे एक जर्मन रैम है जो कि ना प्लांटेशन टैंक में है, अभी लाइट नहीं है, उसको भी थोड़ा दूंगा, थोड़ा मतलब 3-4 पीसेस से हो जाएगा उसका काम, ठीक। सिल्वर शार्क को खिलाना है और बस यही है। अब यहाँ के ऊपर में खा लेगा पूरा। और ये जो सिल्वर शक दिख रहा है ना, ये अभी ट्रांसफर हो जाएगा ये वाला सिस्टम में। ये वाला सिस्टम जो दिख रहा है ना, ये टोटल एक रास सिस्टम है पूरा, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, ठीक है। ये सेटअप पूरा ब्रीडिंग सेटअप है, मतलब ज्यादातर शॉप वॉप में नहीं देखने को मिलेगा, ये ब्रीडर के पास ही देखने को मिलेगा। ये आप एक बार अपना पंप चला दिए ना तो तीनों जो टैंक है वो तीनों टैंक में एक ही पानी चल रहा है, ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है, मतलब तीनों टैंक आप एक समान मान सकते हो। नहीं बस एक ही प्रॉब्लम है कि आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें, ये पंप का आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और नीचे देख सकते हो, नीचे K1 एक्वाटिक मीडिया दिया हम लोगों ने और बायोलॉजिकल फिल्टर, ये सम सिस्टम है पूरा। ये वन एक्वाटिक मीडिया ये जब घूमता है बहुत किफ़ायती रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि ना पुराना हो चुका है, जो कि ना ओल्ड एज हो चुका है, उसको मार देता है। जब ये ऑटोमेटिकली घूमेगा ना तो ये मार देगा। और इसके बाजू में फिल्टर सॉक्स लगाया है, 4 फिल्टर सॉक्स हम लोगों ने दिया है ताकि मैकेनिकल फिल्ट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑलरेडी देखो इसमें कोई फिशेस है नहीं, फिर भी मैकेनिकल फिल्टर काम कर रहा है। उसके अंदर देखो येलो स्पॉट्स ऑलरेडी आ चुका है, मैकेनिकल फिल्टर के अंदर येलो स्पॉट्स आ चुका है, लेकिन कोई फिशेस है भी नहीं, इनो टैंक खाली है। और बीच में जो पार्टीशन जो दिख रहा है ना छोटा सा, उसमें हीटर रहेगा। ये छोटा सा जो पार्टीशन दिख रहा है इसमें हीटर रहेगा,
तो ऐसा 3 टैंक के लिए यू हैव टू यूज अ ईएम हीटर, जो कि ना 3,000 3,500 प्राइस रेंज में आ जाता है। तो आप डिस्कस वगैरह रख रहे हो तो इट इज़ ओके, क्योंकि 3,000 रुपये आप ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जियो फिगर्स या फिर कोई हार्डी, जो कि ना फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, शॉर्ट वैरायटी का फिजिक्स रहेगा तो ईएम हीटर लगा लो। और अगर नॉर्मल जियो फिगर्स है या फिर कुछ और है, जैसे यहाँ पे तो बच्चा रहेगा वो रहेगा, तो तुम लोग 2 RS इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी छोटा मोटा कंपनी का लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी तुम लोगों को मिनिमम 2-3 हीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा कर नहीं पाएगा, अपना काम पूरा कर नहीं पाएगा। अब इधर पे देखो रेड हेड टोपाज, उसको मैंने कुछ टाइम पहले ही खाना दिया था, अपना ब्लड वॉर्म्स वो ख़त्म हो चुका है पूरा तरीके से, और टैंक देख सकते हो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो फ्रोजन ब्लड वॉर्म्स का यही रहता है, टैंक उतना गंदा तो नहीं होता है। उसके बाद फीडिंग अगर ध्यान से दोगे, अगर ऐसे जैसे मैं बोला इस वीडियो में वैसे दोगे, तो पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी तुम लोग वाटर चेंज अगर लिटरली नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी तुम्हारा जैसा था वैसा ही रहेगा। बस थोड़ा धीरे धीरे खाना देना है तुम लोगों को ब्लड वॉर्म्स अगर खिलाते हो तो। इधर पे तो फिशेस बहुत ज़्यादा है, 4 डेनिसोनी और 6 जियोफेगस रेड हेड टोपाजोस है, तो इनके लिए वो जितना भी मैंने ब्लड वॉर्म दिया था वो कम ही है। तो इधर पे मैं और 2-3 बार खाना दूंगा इन लोगों को, उसके बाद ख़त्म कर दूंगा। बस ब्लड वॉर्म तो अभी ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा ही बचा है, वो मैं सिल्वर शार्क्स या फिर टिट्रा को दे दूंगा या फिर एल्बाइनो हेकेलिस को ही दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तुम लोगों को घूम घूम के खाना देना है। अगर तुम लोग कोई भी फिशेस को खाना दे रहे हो, अगर ब्लड वॉर्म्स दे रहे हो तो ठीक है, अगर तुम लोग नॉर्मली कुछ ड्राई आइटम छोड़ के अगर तुम लोग कुछ लाइव फिड खिलाते हो, जैसा फ्रोजन आर्टेमिया भी खिला सकते हो अपने फिशेस को, अगर ब्लड वॉर्म्स नहीं खिलाने चाहते हो तो फ्रोजन आर्टेमिया भी ऐसे ही खिलाना होता है अपने फिशेस को। ओके गाइज, दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, और ये वीडियो थोड़ा तो तुम लोगों को हेल्प हुआ होगा अपना फिशेस को कैसे तुम लोग ब्लड वॉर्म खिला सकते हो सही तरीके से, इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। इस वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज बहुत जल्दी और भी आने वाला है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जितना भी फिशेस का वीडियोस होगा, अगर कोई फिशेस हम लोगों का तरफ से ऑन सेल होगा तो वहीं पे तुम लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।